है दोस्तों वो भी बनाया जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है इधर का, और इधर देखो ये सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, तो यही नज़ारा है। और इधर ये पार्किंग बनाई जा रही है, देखो काम भी चल रहा है, तो काफ़ी लंबी चौड़ी ये पार्किंग है दोस्तों, ये देखो, तो जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाएंगी। देखो ये दीवार उठाई जा रही है, ठीक है आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को। देखो क्या विशाल सीढ़ियाँ बाहर चमक रही हैं, ये देखो मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन पर दोस्तों, ये मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन है। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब, आइए आप अच्छे होंगे। मैं KP संत न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ आप सभी का दोस्तों। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था मोदी नगर साउथ से लेकर मोदी नगर नॉर्थ RRTS का स्टेशन कितना कुछ वर्क हो चुका है कंप्लीट दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों मोदी नगर नॉर्थ RRTS का स्टेशन टू मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन के कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क किया जा रहा है इस टाइम पर, कितना काम हो चुका है कंप्लीट, कितना बाकी है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों। KP संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन के कितना कुछ वर्क उस पर कम्प्लीट हो चुका है, क्या क्या किया जा रहा है दोस्तों। और आप लोगों को बता दूँ ये 82 किलोमीटर का दोस्तों रूट है, ये दिल्ली के सराय काले खां से स्टार्ट होता है दोस्तों और मेरठ के मोदीपुरम तक ये जाता है दोस्तों, जिसमें से 12 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों अंडरग्राउंड है और 70 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों एलिवेटेड हिस्सा है। तो ये देख सकते हो ये मोदी नगर का दोस्तों ये नाला आ जाता है और नाले पर ही ये स्टील के गाटर लगाए गए हैं दोस्तों, ये बायोडक्ट नहीं लगा है इसमें। और देखो दूसरी जगह देखो ये बनाई गई हैं, मतलब लेफ्ट हैंड पे भी राइट हैंड पे भी दोनों जगह पे ये आपातकालीन सीढ़ियाँ बनाई गई हैं दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और आप लोगों को कुछ महसूस हुआ हो तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों किस तरीके से देखो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ताकि आम जनता को कभी भी कोई दिक्कत ना हो सके दोस्तों। इसीलिए NCRTC देखो आम जनता के लिए कितना सोचा विचारी कर रही है दोस्तों। अब चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप लोगों को मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन के उस पर क्या कुछ काम चल रहा है अभी इस टाइम पे दोस्तों करने के लिए। तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को दोस्तों, तो आप सभी इंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और ऐसे ही वीडियोस पूरे रूट की आप लोगों को KP संत के चैनल पर देखने के लिए मिलेगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो दिखाते हैं चल के आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोग एंजॉय करो।
ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है दोस्तों, देख सकते हो। ये हरियाणा के दोस्तों रेवाड़ी से स्टार्ट होती है और ये दादरी पोर्ट में जाकर इसका एंड हो जाएगा दोस्तों। 100 किलोमीटर की रफ्तार से ये दौड़ेगी और एक दूसरे दोस्तों 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी। और जब ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, तब आप लोग नज़ारा देखोगे क्या होगा। एक 100 किलोमीटर रफ्तार से भागेगी, दूसरी 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी दोस्तों। इस पर ट्रेन है दोस्तों, दोनों ही बहुत ज़्यादा, और इसका नया रूट बनाया गया है दोस्तों। ये मालगाड़ी के लिए है ट्रैक, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है दोस्तों। और जैसे ही देख सकते हो यहाँ पर ये ब्रिज बनाया गया है। जब मैंने ये ब्रिज बन रहा था, जब ये रूट बन रहा था, तब मैंने इसका अपडेट दिया था आप सभी को, और आप लोगों ने ये अपडेट नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लेना मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन, जो कि काफ़ी विशाल स्टेशन बनाया गया है दोस्तों। 3 फ्लोर का ये स्टेशन है दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, अभी इस पे डेंट पेंट का काम किया जा रहा है। देखो जितने भी इसके जो कट थे वो दोस्तों भर दिए गए हैं वाइट पुट्टी से। वाइट पुट्टी कर देने के बाद में दोस्तों इस पे पेंट किया जाएगा वाइट। तो दिखाते हैं चल के आप लोगों को के क्या ही नज़ारे हैं दोस्तों मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन पर, क्या क्या वर्क चली किया जा रहा है दोस्तों इस टाइम पर देख सकते हो। सारा काम दोस्तों फिनिशिंग का बचा हुआ है, दोनों साइडों के दोस्तों इसका जो डिज़ाइन बनाया जा रहा है, उस डिज़ाइन को बनाने का काम किया जा रहा है, उसका स्ट्रक्चर को लगाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। तो अभी ये फिनिशिंग का काम चल रहा है, जो भी अभी वर्क कंप्लीट होने के लिए बचा है दोस्तों वो मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन पर ही बचा हुआ है। सबसे ज़्यादा काम दोस्तों कौन कौन लेके लेवल सेकंड लेवल और प्लेटफॉर्म लेवल, तो देख सकते हैं। इधर तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, स्टेयर्स बनाए जा रहे हैं जो कि कौन कौन लेवल की बन चुकी हैं प्लेटफॉर्म लेवल की। अब देखो सीढ़ियां बनाई जा रही हैं दोस्तों, देख सकते हो शटरिंग लगी हुई है और इसमें बीम डालने का काम किया जा रहा है दोस्तों। ऐसे ही वीडियोज़ में आप लोगों के बीच में ला, देखो ये दीवार उठाई जा रही है, ठीक है आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को। देखो क्या विशाल सीढ़ियाँ बाहिसब चमक रही हैं, ये देखो मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन पर दोस्तों, ये मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन है। देखो इधर ये पार्किंग है सारी, इसकी पार्किंग बनाई जा रही है, ये देखो इधर पार्किंग का काम चल रहा है, और इधर देखो ये सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं इस तरीके से। देखो सारा काम हो चुका है सारा, इधर अभी दीवार लगेगी, इधर भी काम चलेगा दोस्तों, कुछ ऐसा ही बनाया जा रहा है। ये है दोस्तों मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। सारा काम कंप्लीट हो चुका है स्टेशन का सारे में, देखो स्टेयर्स भी लगा दिए जा चुके हैं, और इसका जो डिज़ाइन है दोस्तों वो भी बनाया जा रहा है, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है इधर का। और इधर देखो ये सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, तो यही नज़ारा है। और इधर ये पार्किंग बनाई जा रही है, देखो काम भी चल रहा है, तो काफ़ी लंबी चौड़ी ये पार्किंग है दोस्तों, ये देखो तो जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाएंगी ये। देखो इधर ये नया ड्रेनेज भी बनाया गया है, ये देख सकते हो इधर भी बनाया जा रहा है, इधर भी बनाया जा रहा है। तो इधर देखो ये डबल जोड़ा गया है, एक उस साइड में जोड़ा गया, एक इस साइड में जोड़ा गया, तो दोनों साइडों से ही ये एंट्री एग्जिट पॉइंट तो जोड़ा जा रहा है दोस्तों। मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ,
किस तरीके से जोड़ा गया है, देखो आप लोग, इधर की भी तस्वीर है। देखो ये स्क्रीन डोर्स उतारे जा रहे हैं दोस्तों। देखो कुछ ऐसा, ये मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से यहाँ पर ये स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, एंट्री एग्जिट पॉइंट का। तो कैसे पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है, तस्वीरें देख सकते हो आप लोग। देखो दोस्तों ये है पार्किंग, काफ़ी लंबी चौड़ी पार्किंग है ये मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन की दोस्तों, देख सकते हो। अभी ये वाला मकान टूट जाएगा तो ये कुछ ऐसा स्टेशन है ये। देखो पूरे में ही पार्किंग, काफ़ी लंबी चौड़ी पार्किंग बनाई जा रही है दोस्तों, काफ़ी लंबी चौड़ी पार्किंग है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये पार्किंग का काम चल रहा है इधर, और इधर देखो ये मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन बनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से बनाया जा रहा है, और इसका भी मैं अपडेट आप लोगों को ऊपर स्टेशन का देखने के लिए मिलेगा अगले वीडियोज़ में दोस्तों। ये देखो तो उधर अभी क्या, इधर इनका स्ट्रक्चर लगाया जा रहा है दोस्तों, जो डिज़ाइन बनाया जा रहा है ना उसका स्ट्रक्चर लगाने का काम किया जा रहा है, फिर इसके बाद में स्ट्रक्चर का सेट लगाया जाएगा, और ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है। देखो ये जितने भी जो पिलर्स थे वो खड़े कर दिए हैं, और उसके बाद में ये बीम डालने का काम किया जा रहा है, शटरिंग लगी हुई है दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पर ये काम चल रहा है। आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आप लोगों ने तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन से प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।